Good morning, students. Hope you all are home, stay safe. This is Anju Shivas, your maths teacher. Today we are going to study about some solid shapes, some 2D and 3D shapes. In class 2, you have studied about plane shapes. Let's revise it first. Plane shapes are those that can be drawn on a plain piece of paper. प्लेन शेप्स वो होती हैं जिसे आप एक पीस ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हो. इट हैज़ टू मेजरमेंट्स. उसके दो मेजरमेंट्स होते हैं. क्या क्या होता है मेजरमेंट? लेंथ और ब्रेड्थ. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टू डायमेंशनल और 2D शेप. ओके, प्लेन शेप्स आर दोज दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. It has two measurements, length and breadth. So it is also known as two-dimensional or 2D shapes. The first one is a square. A square has four sides. All the four sides of a square are equal. A square has four vertices. Square की चार sides होती हैं, चारों equal होती हैं और उसकी चार vertices होती हैं. मतलब उसके चार corners होते हैं. Square. Now the next shape is a rectangle. A rectangle has four sides. Opposite sides of a rectangle are equal. It has four vertices. Rectangle के भी चार sides होते हैं लेकिन इसके opposite sides equal होते हैं और इसकी भी चार vertices होती हैं. ठीक है, rectangle के opposite sides equal होते हैं और it has four vertices. Now the next shape is a triangle. A triangle has three sides and it has थ्री vertices और corners. Vertices को हम corners भी बोल सकते हैं. तो एक triangle की तीन sides होती हैं और उसके तीन vertices होते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट शेप इज अ सर्कल. अ सर्कल हैज नो vertex एंड नो sides. इट इज़ अ क्लोज लूप. एक सर्कल की ना कोई vertex होती है और ना ही side होती है. वो एक क्लोज लूप की तरह होता है, गोल शेप में होता है. उसकी कोई साइड्स नहीं होती, कोई कॉर्नर्स नहीं होते. ओके, सो यू कैन यूज़ अ कॉइन टू मेक अ शेप ऑफ द सर्कल. नाउ चिल्ड्रेन, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम सॉलिड शेप्स. ईच शेप हैज थ्री मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेड एंड हाइट. सो अ सॉलिड शेप इज ऑल्सो नोन एज थ्री डायमेंशनल और 3D shape. Solids have face, edge, corner or vertex. एक solid के vertex होते हैं, face होते हैं, edge होते हैं और corner होते हैं. Some of the shapes of solids are, कुछ solid के जो shapes हैं कौन कौन से हैं वो? They are cuboid, cube, cylinder, sphere and cone. These are some of the shapes of some solid figures. Look at the shapes of the solids shown here. All these objects have the shape of a cuboid. A cuboid has 12 edges. The point where three edges meet is called a vertex. A cuboid has 8 vertex. A cuboid has 6 faces. सो क्यूबॉइड के कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. अब आप अपनी बुक को देखिए, आपकी बुक भी एक क्यूबॉइड की शेप में है. उसे देखिए और काउंट कीजिए कि उसके कितने फेस हैं, कितनी उसकी एजेस हैं और कितने उसके कॉर्नर्स हैं. नाउ लुक एट द शेप शोन बिलो. दे ऑल शो द शेप ऑफ अ क्यूब. अब ये जितनी शेप्स हैं यहाँ पे, ये कौन सी शेप है? ये क्यूब की शेप्स हैं. ये सारी शेप कहीं ना कहीं एक क्यूब की शेप रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो अ क्यूब हैज़ 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. एक क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेस होते हैं. तो इसको आप अच्छे से पढ़िए एंड लुक एट द वीडियो अगेन एंड अगेन. मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल विद दीज टू शेप्स, सॉलिड फिगर्स, एंड वी विल डिस्कस द अदर सॉलिड फिगर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई विल प्रोवाइड यू विद सम नोट्स, राइट इट डाउन इन योर कॉपी.
okay, and draw these figures in your copy. Thank you.